जरायम की दुनिया का ऐसा नाम जिसका नाम है अतीक अहमद। एक समय ऐसा था कि पूर्वांचल में अतीक अहमद का पूरा दबदबा था और आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अतीक अहमद के ऊपर शिकंजा कसा है। उसको गुजरात से प्रयागराज लाया गया है, उसको सजा हो रही है। लखनऊ की जनता के बीच आए हैं और हम देखते हैं, जानना चाहेंगे कि इस कार्रवाई को वो कैसे देखती। भैया, अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही, क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने कैसे काम किया है? देखिए, ये तो न्यायपालिका का है ना, वो देखेंगे कि जो जुर्म करता वो अतीक अहमद हो या कोई भी हो, है ना, जो क्राइम करता तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी ठीक है। एक समय था अतीक अहमद का बहुत दबदबा था पूर्वांचल में। ठीक है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर जो गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। अतीक अहमद को सज़ा हो रही है, आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, माफिया गुंडा को तो जाना ही चाहिए जेल में, और सब ठीक है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई, क्या लगता है आपको, माफियाओं का दबदबा कम हो गया है? हाँ, कम, बहुत कम हुआ है जी, बहुत कम हुआ है। ठीक है, कैसे देखते हैं सरकार को? सरकार ठीक है जी, सरकार ठीक है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। दादा मौजूद हैं। दादा, अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है आपको, उसको सजा होगी ये क्या होगा? होनी चाहिए, होगी जी, इधर घूम जाइए थोड़ा सा, तो सजा होनी चाहिए, ऐसे लोग सजा नहीं होगी किसको होगी भाई। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ की आवाम है वो काफ़ी संतुष्ट दिख रही है। उनका कहना है कि जो दोषी होगा उसको सजा ज़रूर होगी। और भी लोग मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? बी एफ और खाना खाने। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तो कार्रवाई हो रही है, आगे देखिए आगे क्या होता है। वैसे अभी तो सरकार अपने क्या होता है विपक्षी दल में है, तो जो भी वो फैसला लेगी अपने आंतरिक स्वरूप से लेगी। उसके भाई अशरफ को भी लाया गया है, और अभी 32 दिन पहले एक हत्या में अतीक अहमद का नाम आया था, जिसके बाद उसको गुजरात से लाया गया है। क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि सरकार? देखिए, जिस प्रकार अतीक अहमद की एक्टिविटीज़ रही हैं, उस प्रकार से अपने विधानसभा मंडल में कई सारे MLAs ने भी उच्चारण किया तो बयां किया है। MLAs ने भी उच्चारण की बैठक करी है अभी इस टाइम, जिसकी वजह से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक के योग्य में हैं, और फैसला विपक्षी दल के द्वारा ही जाएगा, इसलिए आप इतना उसमें ना आए, सब कुछ मंगल ही होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो अतीक अहमद है, वो जो पूर्व में सरकारें रही हैं सपा व बसपा की, उनके द्वारा पाले हुए अपराधी हैं, क्या कैसे देखते हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आदरणीय केशव जी ने यदि ये चीज़ कही है तो निश्चित रूप से ये 100% सत्य है, क्योंकि अभी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में विधानसभा सत्र में भी कहा था कि ये सपा द्वारा पोषित ये लोग हैं, जिन्हें जिनका सपा सरकार में भरण पोषण होता था, पालन पोषण होता था। सपा सरकार में ही इनकी जो गुंडई थी, बसपा सरकार में भी इनको प्रश्रय मिला, और सपा सरकार में इन्होंने ये फले फूले, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है, तो अखिलेश जी को या उनके पार्टी के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? सरकार तो अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आने वाले समय में करेगी। यदि उसमें अतीक अहमद उस जीरो टॉलरेंस के तहत आ रहे हैं, इतने मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, इतना उनके ऊपर विधायक की हत्या का आरोप लगा, बहुत सारी विषयों पर उनके खिलाफ चीज़ें लंबित हैं, केस हैं अतीक अहमद के ऊपर, ये आज पहले मामले में सजा होगी, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, हमारी सरकार को न्यायपालिका भरोसा है, और कानून का काम है कि जो अपराधी हैं उनको खींच करके न्यायपालिका तक ले जाएं, और न्यायपालिका जब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से समाज में जो एक भयमुक्त समाज की हम सबकी कल्पना है, भयमुक्त समाज का जो हम सबने सपना देखा है, वो सपना हम सबका साकार होगा। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सपना साकार होगा, भयमुक्त समाज की कल्पना हम लोग देखते हैं। कार्रवाई हो रही, उसको सजा होने वाली, क्या कहना है आपका? मेरा यह कहना कि उसको सजा अवश्य होनी चाहिए, और जितनी भी कठोर से कठोर सजा वो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जान दूसरों के लिए है तो उनको भी दंड उसका मिलना चाहिए, बुरे काम का दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्या जानते हैं उसका 20 साल पुराना जो इतिहास है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ समय इलाहाबाद में रहा हूँ,
तो उनका इतिहास तो बहुत ही ख़राब है और बहुत ही मतलब जो है लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, मतलब हर तरह के सारी चीज़ें होती थी। अब उन चीज़ों को मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। संतुष्ट है मतलब सरकार? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अवश्य इसी तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि माफिया लोगों का जो खराब लोग गंदे लोग हों उनका खात्मा हो और समाज का सुधार हो, आदमी कायदे से चैन से रह सके, चाहे जिस भी जाति धर्म का हो आराम से कम वो अपनी रोजी रोटी खा सके। क्या कहना चाहेंगे अतीक के ऊपर कार्रवाई हो रही है? भाई साथ में अरे जो साथ प्रतिक्रिया तो दे दीजिए। नहीं इन्होंने जो कहा वो सही कहा है, जो कहा इन्होंने सही कहा है। इस माट डबा सारे इतना कतल करे आज उन्होंने, इतना पापी आदमी है का करे धरतीप जी की धरतीप वो आदमी रहा जी इंसानियत जाने इतना कतल करे है, जहाँ देखा चाहा ओके नाम के हुए है फर्जी इतना करे है, इलाहाबाद में चला जा डेली दुई घर ठेला जाता है ओके, कहाँ से बना? एक आम आदमी इतना बना सकता है? नहीं बना सकता। एक अच्छी इनकम से नंबर दो की इनकम है तबे तो ऐसा है। ठीक अतीक अहमद को सजा हो रही है उसके भाई? अतीक अहमद को बिल्कुल सजा हो, वो इतना बड़ा अपराधी, इतना बताइए कोई डर ही नहीं, प्रशासन का कोई डर ही नहीं, वो खुलेआम सिर्फ अपराधी मतलब बचपन से ही अपराधी वो निकला है। इस प्रवृत्ति के इंसान तुरंत फांसी चढ़ा देनी चाहिए। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है आज, उसको सजा होगी कोर्ट में उसकी पेशी, क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ इस निर्णय से, और योगी जी ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, वो ऐसा कर रहे हैं, अपने कथन को वो सही साबित कर रहे हैं, इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। क्या इतिहास रहा अतीक अहमद का 20 साल पुराना? इतिहास आप लोग से कोई छुपा नहीं है, है ना, सारे माफिया जो भी हैं उनके साथ कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है पूर्व की जो सरकारें थी अतीक अहमद का समर्थन दे रही? बिल्कुल समर्थन कर रही थी, खुला समर्थन कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब बीजेपी की सरकार में ऐसी किसी भी माफिया सरगना किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हाँ माफियाओं को सजा तो मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जो भी सरकार हो उसको देनी चाहिए, और इससे आगे क्या कहा जाए। बहुत पुराना इतिहास रहा अतीक अहमद का, बड़ा दबदबा था। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा गया है? हाँ कसा गया है जी। हाँ योगी सरकार के आने से माफियाओं का जो है बोलबाला कम हो गया है, इसमें विपक्ष वाले सपोर्ट ले रहे हैं। हाँ विपक्ष सपोर्ट ले रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हुई और जो है कि कांग्रेस हुआ, ये सब जो है सपोर्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए, योगी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद थी लखनऊ की तमाम आवाम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो माफियाओं के ऊपर बेहतर कार्य कर रही है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सपना है कि माफिया मुक्त प्रदेश, वो कहीं ना कहीं साकार हो रहा है, और कहीं ना कहीं और देखा जाए तो आज अतीक अहमद को सजा भी हो रही है, जिससे जो लखनऊ की जनता है वो काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ रेहानवार सी, प्राइम टीवी लखनऊ।